हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अब्बास एकेडमी। दिस इज़ द एट चैप्टर ऑफ योर एट स्टैंडर्ड ज्योग्राफी, इंडस्ट्रीज। एज द चैप्टर नेम इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाता होगा लाइक दिस। इंडस्ट्रीज की कई टाइप्स है, लाइक वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कि शुगर इंडस्ट्री है, कि फाइबर इंडस्ट्री है। लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर अवेलेबल इन आवर कंट्री इंडिया। लाइक अब इंडस्ट्री का मेन पर्पज क्या है? टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इंटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड, मेन इंडस्ट्रीज का पर्पज है टू मैन्युफैक्चर समथिंग, कुछ चीज़ बनाना। तो ये गवर्नमेंट ने पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि आपके माइंड में, कि ये आपके सिलेबस में चैप्टर क्यों है, राइट? आपने सुना होगा, आपने ये लोगो देखा होगा। ये किसका लोगो है? मेक इन इंडिया का लोगो है। मेक इन इंडिया, यू नो ना, मेक इन इंडिया का मतलब हमने सुना होगा कि बहुत सी जो चीज़ें इंडिया में हम इस्तेमाल करते हैं, वट एवर डिफरेंट थिंग्स वी आर यूजिंग इन इंडिया, दे वी दैट थिंग्स वी इम्पोर्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री, फॉरेन कंट्री, लाइक चाइना से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। लेट अस से एग्जांपल, रेडमी का एमआई का फ़ोन ले लो। आज सबके हाथ में एमआई का फ़ोन है, उसकी पैरेंट कंपनी चाइना की है, राइट? तो क्यों ना गवर्नमेंट इस पे फोकस दे रही है कि सारी चीज़ें इंडिया में बने, तो मेक इन इंडिया का नारा दिया गया। नहीं तो आज से 15 साल पहले देखा जाए तो हर चीज़ पे मेड इन चाइना लिखा रहता था। मेड इन चाइना फैब्रिक, मेड इन चाइना टेबल, मेड इन चाइना मोबाइल, लॉट ऑफ थिंग्स वर मेड इन चाइना। सो नाउ गवर्नमेंट हैज़ पुट देयर स्पेशल एफर्ट्स टू कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर थिंग्स विल बी मैन्युफैक्चर इन इंडिया, दैट्स वाई मेक इन इंडिया का उन्होंने नारा दिया। अब आप ये इमेज देख रहे हो, तो इस इमेज का मेरा बताने का पर्पस ये है कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ हैं कि पहले वो, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, आप कपड़ा पहनते हो, कॉटन का ड्रेस पहना, कॉटन का शर्ट या कोई भी ड्रेस पहना है आपने, तो वो पहले वो कॉटन एक पौधा, मतलब खेत में उगा, ग्रोइंग फाइबर्स कॉटन उगा, फिर वो हार्वेस्ट की, किसानों के जरिए हार्वेस्ट किया गया, उसको जमा करा उसने, फिर उसको भेजा ग्रीनिंग और स्पिनिंग मिल में भेजा। ये एग्जांपल दी हुई है। स्पिनिंग मतलब बुनना, गोल गोल घूमना, और उसकी भीम बनती है। साइजिंग सुना है आपने? साइजिंग में मतलब वो कॉटन से निकल के धागा बनता है, पहले स्पिनिंग उसका कोइन बनता है, फिर उसका धागा बनता है, फिर वो वीविंग, उसको पावर लूम इंडस्ट्रीज में जाके उसकी वीविंग होती है, और उसकी फिर प्रोसेसिंग ही होती है, उसको कलर वगैरह किया जाता है, फिर टेलर के पास आके वो सिला जाता है और ड्रेस बनता है, फिर उसकी ट्रेडिंग होती है। द ऑर्डर ही गॉट, तो उसको फिर ई कॉमर्स साइट लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे बेचा गया। तो ये बताने का मेरा जो पर्पस था, देयर आर द थ्री एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में तीन टाइप की एक्टिविटी है। वन इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज़ द सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड वन इज़ द टर्शरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर मतलब जो चीज़ ज़मीन से उग रही है, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने कॉटन बताया, ये ज़मीन से उग रहा है, खेत से उग रहा है। दूसरी चीज़ है शुगर कैन खेत में उगता है, उससे उसको फिर इंडस्ट्री भेजा जाता है काय के लिए, शक्कर बनाने के लिए, है ना, जगेरी बनाने के लिए, शक्कर बनाने के लिए। तो इंडस्ट्री में भेजा गया तो वो हो गया मैन्युफैक्चर, हो रहा ना, शक्कर बन रही है इंडस्ट्री में, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कॉटन हुआ खेत में, और उसको स्पिनिंग मिल और साइजिंग में भेजा गया धागा बनाने के लिए, तो स्पिनिंग के लिए की, तो वो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। अब वो उन्होंने कपड़ा बना लिया, वो कपड़ा आ गया ई कॉमर्स साइट लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर, या किसी रिटेल शॉप पर आ गया, तो वो हो गया टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर हो गया। अंडरस्टैंड, प्राइमरी मतलब द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जिसमें वो चीज़ बनती है, और टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, जो सर्विस डायरेक्टली फाइनल स्टेज पे आके कंज्यूम होने से पहले, इस्तेमाल होने से पहले जिस शॉप से हम खरीदते हैं, तो वो दैट इज़ अ टर्शरी सेक्टर। तो ये तीन सेक्टर इकोनॉमी। ये चैप्टर ना सिर्फ आपको एट स्टैंडर्ड में हेल्प करेगा, बल्कि 9 और 10 में भी आपका बेस बना रहेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इसके अलावा कि अब एक चीज़ आ जाती है कि आगे चैप्टर में हम देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या है, कि गवर्नमेंट ने, कि आज देखिए USA, चाइना, जापान क्यों तरह बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है, इंडिया क्यों डेवलप कंट्री नहीं है, उसका कारण यह है कि उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा है। किसी भी कंट्री का जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है उसके इम्पोर्ट से, एक्सपोर्ट मतलब हमें हमारे देश से कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इज़ द लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ द वीट एंड राइस, इंडिया वीट, राइस, चावल, गेहूँ बेचता है दूसरे देशों को, लेकिन इंडिया का इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्ट बिल ज़्यादा है, इंडिया इम्पोर्ट ऑयल वगैरह बहुत करता है,
रफेल जेट डिफेंस इक्विपमेंट करता है, रखिए रफेल जेट चाइना सॉरी फ्रांस से खरीदा, S-400 रशिया से खरीदा, तो इस तरीके से इंडिया का इंपोर्ट बिल पे करने में लग जाता है। तो इसका यही कारण है कि इंडिया इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ नहीं रही है, क्योंकि हमारा खर्चा ज़्यादा है, आय इनकम कम है, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका और जापान जर्मनी का एक्सपोर्ट ज़्यादा है। तो इस वजह से एक कारण ये भी है। दूसरी चीज़ हमारी पर कैपिटा, हमारी जनसंख्या, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इवन हमारी जीडीपी अच्छी है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा है, उसके बावजूद हमारा पर कैपिटा इनकम कम है। यानी पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आप क्या रखो, न्यूमरेटर में जीडीपी रखो, डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री रखो, तो हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम आएगा। ये सारी चीज़ें आप 10th स्टैंडर्ड में सीखोगे, 9th में सीखोगे, मैं बताते चल रहा हूँ। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द अवेलेबल रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब कि फाइनल स्टेज में आके बिकने को आया, फिनिश्ड प्रोडक्ट इज डन इन द फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज का मेन पर्पस, इंडस्ट्रीज का मेन पर्पस क्या है, रॉ मटेरियल के लेना, जैसे कि कॉटन और शुगर कैन का मैंने एग्जांपल दिया। तो वो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, शुगर है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ड्रेस है, कॉटन का कपड़ा है। द फिनिश प्रोडक्ट इज ड्यूरेबल, मोर यूजफुल। अच्छा दूसरी ये बात बताते चलूँ कि ये चैप्टर इंडस्ट्रीज, जहाँ पर देखो पूरे इंडिया में 28 स्टेट्स है, जिसमें से महाराष्ट्र एंड गुजरात बहुत ही डेवलप स्टेट है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र एंड गुजरात में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, शुगर कैन इंडस्ट्री, कोमारा, महाराष्ट्र में इंडिया में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, खासतौर से महाराष्ट्र में मालेगांव में, नासिक में मालेगांव, भिवंडी, मुंबई, की जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ पे टेक्सटाइल कॉटन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो यही कारण है कि इंडस्ट्री जितना बढ़ेगी तो उतना लोगों की इनकम, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो मतलब इंडिया की इनकम बढ़ेगी, इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, इंडिया तरक्की करेगा। तो ये कारण था कि इंडस्ट्रीज़ का रहना भी बहुत ज़रूरी है। अब देख लो बिहार यूपी वगैरह में इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है, इसलिए वहाँ से लोग माइग्रेट होकर महाराष्ट्र में आते हैं ताकि उनको जॉब मिल पाए, इसलिए वो उनका जो एरिया है वो पिछड़ा हुआ है, तरक्की इतना नहीं किया है। सो इंडस्ट्रीज हेल्प इन स्पीडिंग अप द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, इट ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को अगर रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो हमारे देश की तरक्की होगी। तो इंडस्ट्रीज का से क्या होगा, इंडस्ट्रीज के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी है, रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये तीन चार चीज़ें ज़रूरी है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि देखिए आप मैं बता दूं कि कॉटन की इंडस्ट्री जो उसके मतलब कॉटन जहाँ पैदा हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसके दूर भी हो सकती है, लेकिन शुगर कैन इंडस्ट्री जो जनरली कहाँ पर रहती है, शुगर कैन का जो जूस है वो तेज़ी से सूखने लगता है, राइट। तो इसलिए शुगर कैन इंडस्ट्री जनरली शुगर कैन जहाँ प्रोड्यूस होता है उसके करीब ही होती है। महाराष्ट्र में देखो अहमदनगर में, नासिक में, नासिक डिस्ट्रिक्ट, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर शुगर कैन इंडस्ट्री मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर गन्ने उगते हैं। सो टेकिंग इन टू अकाउंट द अबव फैक्टर, नोट इन द डिफरेंट कलर्स इन फेवरेबल फैक्टर रिक्वायर्ड फैक्ट्रीज एंड गिवन बिलो आर द फॉलोइंग, गिवन बिलो एंड द फॉलोइंग्स, लाइक फॉलोइंग इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, शुगर, फॉर ईच इंडस्ट्री प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द नेसेसरी फैक्टर्स। आपको फैक्टर्स बताया गया, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी कहाँ मिलेंगी, आप देखो पूरे इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है ना ज़्यादातर आपको यहाँ पर मिलेगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड, क्योंकि यहाँ पर आयरन ओर यानी लोहे वगैरह वहाँ पे ज़मीन में से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यही एक कारण है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वहीं पे लोकेटेड है, क्योंकि उनका हेवी जो आयरन का लोहे का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उसको यहाँ एक जगह से दूसरी ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे मैंने महाराष्ट्र में बताया, महाराष्ट्र में आयरन इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यहाँ पे कॉटन है, शुगर कैन इंडस्ट्रीज़ है, आईटी इंडस्ट्रीज़ है। अब जैसे मैंने बताया कि इन एनी गिवन एरिया द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज डिपेंडेंट ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वाटर, लेबर, ट्रांसपोर्ट, कैपिटल, मार्केट एक्सेट्रा। एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस फैक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज डेवलप। अब लेट अस से एग्जांपल कि मुंबई पुणे में आईटी इंडस्ट्रीज है, बीपीओ है, कॉल सेंटर है, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले अच्छे से मिल जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा शहर है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो इसलिए आईटी इंडस्ट्री जनरली बड़े शहरों में होती है। सो बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फैक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डजंट टेक प्लेस एट द सेम प्लेस एट ऑल प्लेस। यानी कि मैंने एग्जाम्पल दी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सिर्फ झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में मिलेगी, वो सारे इंडिया में नहीं मिलेगी।
अब दिस इज़ द मैप, ये मैप को देख के मतलब आप आसानी से आंसर दे सकते हो। नेम द इंडस्ट्री एट जमशेदपुर। तो कभी भी ध्यान रखो, आप आंसर लिखते हो ना ये मैप देखकर, तो आपको पूरा आंसर लिखना है। कि सिर्फ अगर आपने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लिख दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी। आपको पूरा लिखना है द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड एट द जमशेदपुर, विच रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस इंडस्ट्रीज। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए जनरली आयरन ओर की ज़रूरत रहेगी, अंडरस्टैंड। आयरन ओर देखो यहाँ पे ब्लैक कलर में, मैं बड़े जूम करके दिखाता हूँ। आयरन ओर से आयरन बनता है, यानी जो हमारे स्टील बनता है वो आयरन ओर से कच्चा धात रहती है, कच्ची लोहा रहता है, उससे फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो ये सारी चीज़ें वहीं मिलती है, इस तरीके से आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एज पर द नेचर। बाकी का क्वेश्चन आप आसानी से दे सकते हो और आपको फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। नाउ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज एंड हीवी इंडस्ट्रीज। मेकिंग ऑफ अर्थन पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन बनाना, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज है। मीडियम इंडस्ट्रीज फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जगेरी मेकिंग एंड हीवी इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, शुगर, आयरन एंड स्टील। अब आ जाता है कि बहुत सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है लाइक शुगर एज अ फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम द शुगर कैन। लेकिन शुगर कैन कई इंडस्ट्री ऐसी होती है, जैसे चॉकलेट की इंडस्ट्री, हमारे महाराष्ट्र में रावलगांव नाम का एक टाउन है, रावलगांव में चॉकलेट बनाए जाते हैं जो कि मालेगांव नासिक के बीच में आता है, राइट। तो वहाँ पर क्या है कि चॉकलेट इंडस्ट्रीज में शुगर की ज़रूरत होती है, तो एज अ रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट एज अ शुगर यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट भी एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। अब नाउ आइडेंटिफाई द इंडस्ट्री शोन इन द पिक्चर, लाइक दिस इज शो द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब ये आईटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है या आईटी इंडस्ट्री वी कैन से। अब ये कुछ वेरी रॉ मटेरियल, ये पापड़ बना रहे हैं, बहुत ही स्मॉल इंडस्ट्रीज है, ये बिग इंडस्ट्रीज है। अब लाइक ये फिनिश मछलियों को पैकिंग वगैरह हो रही है इसका, ये दूध की पैकिंग हो रही है। लाइक दिस इंडस्ट्री वी कैन क्लासीफाई द स्मॉल मीडियम एंड हेवी इंडस्ट्रीज। सो हमसे क्वेश्चन पूछा, नेम द इंडस्ट्री शोन इन द पिक्चर। ए इज अ वेरी इनिशियल स्मॉल इंडस्ट्रीज, पापड़ मेकिंग इंडस्ट्री वेरी स्मॉल इंडस्ट्रीज है, राइट। दो दूसरी जो इंडस्ट्रीज है वो कारपेंटर है, तो कारपेंटर वो क्या कर रहा है, मिस्त्री है तो वो अपना टेबल वगैरह बना रहा है, वो मीडियम इंडस्ट्रीज आएगा या स्मॉल में भी गिना जाएगा। सो वट इज़ द डिस्टिंगटिव अबाउट द इंडस्ट्री इन पिक्चर सी। सो इंडस्ट्री सी इज़ अ हेवी इंडस्ट्रीज है, राइट। सो नेम सम मोर सिमिलर इंडस्ट्रीज, लाइक वी कैन गिव द मोर लॉट ऑफ एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट दिस इज द पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट टू में आई विल कवर, मैं क्या कवर करूँगा कि MIDC क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, MIDC क्या है, और इसके अलावा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, CSR क्या है, एंड जैसे ये बताया मैंने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मोर अबाउट दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन द पार्ट टू। सो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मोर एंड मोर